मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। शुक्रवार को घायल वंस अगेन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है सनम तेरी कसम। इस फिल्म की डायरेक्टर जोड़ी का फिल्म बनाने और सोचने का नजरिया बाकी डायरेक्टर से थोड़ा अलग है। इन दिनों जहां हॉट एक्शन, डबल मीनिंग और बेवजह के एक्शन स्टंट और थ्रिलर मूवीज बनाने का ट्रेंड चला हुआ है, तो इस जोड़ी ने दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी बनाई है। सनम तेरी कसम इंदर और सरू की इमोशनल जर्नी है, जहां एक तरफ इंदर यानी कि हर्षवर्धन राणे किसी से भी प्यार नहीं करना चाहता, तो वहीं दूसरी तरफ सरू यानी कि मावरा हुकेन है जिसे कोई प्यार नहीं करता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इंदर का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उस पर मर्डर का इल्जाम है, वो शराबी है, नकारा है, भटका हुआ है। वहीं सुरु एक संस्कारी तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सरु के पिता इंदर की खराब इमेज की वजह से उसे सोसाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन जब वो सरु को इंदर के घर पर देखते हैं तो सरु को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इंदर सरु का सहारा बनता है। दोनों ही अपने परिवार से दूर हैं और अकेलेपन से घिरे हुए हैं। फिल्म की कहानी इनके बदलते रिश्ते के साथ आगे बढ़ती है। सरू अपने कलीग से प्यार करती है, लेकिन वो सरू की बहन जी इमेज की वजह से उसे प्यार नहीं करता। इंदर सरू का मेक ओवर करता है और उसे उसके प्यार से मिलाता है, लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी अपनी पकड़ खोती है। दूसरे हिस्से में फिल्म आपको कट्टी बिट्टी की याद दिलाएगी। राधिका विनय ने फिल्म पर मेहनत की है, लेकिन वो इसे परफेक्ट बनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। बात करें अगर फिल्म के एक्टर्स की, तो ये दोनों ही एक्टर्स की डेब्यू फिल्म है, लेकिन अपनी एक्टिंग से ये दोनों सभी किरदारों पर भारी पड़ते हैं। गुस्सैल इंदर के रोल में हर्षवर्धन राणे बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, वहीं तमिल लड़की के रोल में मावरा एकदम फिट बैठती हैं, जबकि वो पाकिस्तान से हैं। फिल्म में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक एवरेज है। फिल्म के सभी गाने ठीक ठाक है। सनम तेरी कसम, तेरा चेहरा, बेवजह और खींच मेरी फोटो जैसे सॉन्ग्स पहले भी आप सुन चुके हैं और ये गाने काफी पसंद भी किए गए हैं। कुल मिलाकर बढ़िया एक्टिंग और म्यूजिक के अलावा सनम तेरी कसम में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अगर आप घायल वंस अगेन जैसी एक्शन फिल्मों के शौकीन नहीं हैं, तो वैलेंटाइन वीक में ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट साबित होगी। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।